हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मास्क बनाना। तो मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चौकोर कपड़ा लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई वो बराबर रहनी चाहिए। अगर आप बच्चों के लिए मास्क बना रहे हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आप 9 इंच रखिए, मीडियम बना रहे हो तो 10 रख लीजिए, और हाईएस्ट यानी फुल साइज के मास्क बनाते हैं तो उसकी लंबाई हम 11 इंच रखते हैं। आज मैं यहाँ पे फुल साइज का मास्क बना रही हूँ तो मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई 11 इंच रख रही हूँ। इधर से भी 11 इंच है और इधर से भी 11 इंच है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो 9 इंच रखिए, मीडियम बना रहे हो तो आप 10 इंच का कपड़ा चौकोर ले लीजिए। फिर हम इसको त्रिभुजाकृति में इसे बिछा देंगे। और इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब हम यहां से इसकी दूरी नाप लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच है तो 5.5 पे हम निशान लगा लेंगे। फिर इस तरफ से भी हम 5.5 पे निशान लगा लेंगे और इस तरफ से भी हम 5.5 पे निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों के बीच में भी हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इससे क्या है कि गोलाई आसानी से आ जाएगी। और यहाँ पे भी 5.5 इंच पे इन सभी निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। ऐसे गोलाई में मिला लेंगे सभी निशानों को। अब हम यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और इधर से भी 1 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे। दोनों को आपस में मिला देंगे ऐसे। ये वाली साइड है वो जॉइंट वाली साइड है और इस तरफ हमारे दोनों मुँह आपस में खुल रहे हैं तो इस तरफ हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे बीचों बीच, और इसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद ये वाली जो गोलाई है यहाँ पे हम सिलाई कर लाएंगे। जो सिलाई है वो मैं 1/2 इंच की दूरी पर कर रही हूँ, या फिर आप 1 पग की दूरी पे भी ये सिलाई कर सकते हो। ये गोलाई है तो छोटी छोटी हम इस पे कट लगा लेंगे। ये जो हमारा बीचों बीच का जो निशान है यहाँ से हम कपड़े को ऐसे खोल लेंगे। और यहाँ पे भी हम 1 पग या फिर 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई कर लाएंगे। सिलाई करते वक्त ये जो हमारी पहले वाली सिलाई की थी इनको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ ऐसे। ये बराबर रहने चाहिए।
यहाँ पे हम ये जो वाले जो दूरी है वो आधा इंच से थोड़ी सी अधिक लेंगे। यहाँ से इसकी हल्की सी कटिंग कर देंगे हम और छोटी छोटी कट लगा लेंगे गोलाई में। और यहाँ से जो हमारा मुंह खुला हुआ है कपड़े का, इससे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम इस पे फ्रेस कर लेंगे, इसे जो हमारी ये सफाई है वो अच्छी आ जाएगी मास्क में। फ्रेस करने के बाद में हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के लिए 7 इंच की इलास्टिक की कटिंग कर लेंगे हम। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो 5 या 6 इंच की भी कटिंग कर सकते हो। 7 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे, इसको डबल कर लेंगे। अब इनके आधा आधा इंच दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। और जो खुला वाला हिस्सा है इसको अंदर के साइड आधा इंच फोल्ड कर देंगे हम। और जो हमने रबड़ पे आधा इंच का मार्क लगाया था इसको अंदर के साइड डाल देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा रबड़ है वो आधा इंच अंदर तक जा चुका है। ऐसे इस तरफ डाल देंगे, आधा इंच इसको अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे। ये हमारा मास्क बनके बिल्कुल तैयार है, तो आप ज़रूर बनाइए, बनाने में बहुत ही सरल है।